फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग द वीडियोज एंड वेलकम अगेन टू दिस चैनल. इन दिस वीडियो वी कवर द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकॉनमी. तो ये 10th क्लास की थर्ड वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कवर्ड द ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ द MNCs हेल्प और इन्वेस्ट देयर मनी इन द इकॉनमी. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में अनेबल करते हैं. फैक्टर्स दैट हैव अनेबल ग्लोबलाइजेशन. देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी एंड लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज. आपको ये पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर किया था कि इन 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे जिसमें LPG पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि इम्प्लीमेंट किया था. हेयर उसी इकोनॉमिक पॉलिसी में जो ये L है, दैट इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. तो अब आप ध्यान से सुनेंगे बच्चे कि कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड हुई. तो आप लोग देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट है वो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ही है. अगर आप लोग पिछले 50 सालों में जाकर देखेंगे कि कुछ एक इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और अगर आपकी कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी हुए हैं तो वो कैसे होते हैं, ध्यान से सुनिए कि दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेज पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट. पहले अगर आप लोग कोई गुड्स को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे तो वहाँ पर उनकी जो कॉस्ट होती थी बहुत ज़्यादा लगती थी, क्योंकि उन कंटेनर्स को लगाइए, बॉक्सेस, बड़े बड़े कार्टून्स होते थे, उनमें सामान लगाते थे, फिर कोई सामान को ढंग से शिप से आपकी उसमें लेके जाना, शिप से लेके जाना, रेलवे कार्ट्स पे लेके जाना, तो इस तरह से उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती थी. अब गुड्स आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन टू शिप, यानी कि डायरेक्टली हो जाते हैं रेलवेज़ में, प्लेन्स में और ट्रक्स में. कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट. पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट का ही मैंने आपको बताया था कि कार्टून्स को मेंटेन रखना, उनको ढंग से हैंड ओवर करना, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती थी. और इन कंटेनर की वजह से आपकी जो ट्रांसपोर्ट में जो आपका इधर से उधर सामान करना होता है वो रैपिडली हो जाता है. तो इस वजह से अनेबल मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड बींग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइंस. अब अगर आप लोग देखें दूसरी जगह पे भी कि डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी हुई है, तो रिसेंट टाइम में तो आप लोगों को पता ही रहा है कि हर जगह कंप्यूटर का, इंटरनेट का, इवन इन COVID-19 जैसे कि अब हम लोग आपकी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कि हम लोग आपके आमने सामने भी नहीं हैं और आपको लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं. तो ये कैसे हुआ पॉसिबल, थ्रू टेक्नोलॉजी. आज इंटरनेट है, इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग द मोबाइल फ़ोन, तो ये सारा कॉन्टैक्ट एक वर्ड से दूसरे वर्ड में. आज अपने आप इंडिया में घर बैठे ही दूसरी कंट्री से सामान को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ देखते हैं. आप यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं, वीडियो से बात करते हैं, आप यहाँ पे चैट करते हैं, ये सारा क्या चीज़ें बेटे, थ्रू इन टेक्नोलॉजी. आजकल आप लोग देख रहे हैं कि चैट भी हो जाती है, आप लोग एक दूसरे से डायरेक्टली फेस टू फेस, मतलब ऑनलाइन फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो ये सब किसका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही है. अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट आप लोगों को पता ही है, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेते हैं, ऑनलाइन चैटिंग हो गई, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो गई, और थ्रू इंटरनेट आज आप अपनी टिकट्स को भी बुक करा लेते हैं, जर्नी, होटल्स को, ट्रिप्स को, तो ये दैट इज़ है टेक्नोलॉजी. नाउ वी मूव टू द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑल्सो. तो ये होती क्या है बेटे, इसका मतलब होता है कि आपने, जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि चाइनीज़ टॉयज़ ने इंडिया को कवर किया हुआ था मार्केट को, क्यों, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी थी, प्राइजेस कम थे और यहाँ पर हमारी जो ट्रेड पर टैक्स लगता था वो रिड्यूस हो गया था और जो इंपोर्ट पर और एक्सपोर्ट पर हमारे बैरियर्स थी, रुकावटें थी, वो भी सारी रिमूव कर दी थी अंडर द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. बिफोर 1991 गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, कैसे कि उनको लिमिटेड ही इंपोर्ट करना होता था, इंपोर्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी और एक्सपोर्ट भी वो लोग देख के करते थे कि
क्लोज्ड इकॉनमी थी उस समय में हमारी, कि आप लोगों ने बाहर की दुनिया से इतना इंटरेक्ट नहीं करना। तो अगर ऐसा होता तो आप लोग सोच सकते हैं कि क्या चाइनीज़ टॉयज़ हमारी कंट्री में आ जाते, है ना, कि दोज़ हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज़ वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। अगर ऐसा होता तो क्या होता, जब क्लोज्ड इकॉनमी थी, टैक्स लगाए हुए थे, तो उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती, तो वो यहाँ पर नहीं लगाते। तो टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड दीज टाइप ऑफ बैरियर्स आर रिमूव्ड अंडर द पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, LPG जिसे बोलते हैं, एंड L इज़ फॉर लिबरलाइजेशन। क्लियर? तो उन्होंने अपनी, लेकिन अब ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों लगाया, पहले क्यों नहीं लगाया। बेटे ये जो बैरियर्स थे वो इंडिया की इकॉनमी को डेवलपमेंट करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है 1947 में जब हमें फ्रीडम मिली थी ब्रिटिशर से, हमें ब्रिटिश रूल से जब हमें आज़ादी मिली थी, उस समय हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी यानी इकॉनमी थी, बहुत ब्लीक इकॉनमी थी, बैकवर्ड स्टेगनेंट इकॉनमी थी, क्योंकि उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने हमारा कोई भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया था। और जो इवन हमारा पहले, सबसे पहले हम लोग एक्सपोर्टर हुआ करते थे, उसके बाद उन्होंने हमें इम्पोर्टर बना दिया। रीज़न बिहाइंड दैट कि दे डेवलप देयर इकॉनमी, उन्होंने अपनी इकॉनमी को डेवलप किया और हमारी इकॉनमी को एक्सप्लोइट किया। तो उस समय जब हमारी एक्सप्लोइटेड इकॉनमी थी, उसको डेवलप करने के लिए ये बैरियर्स को लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस समय हमारी इकॉनमी के जो प्रोड्यूसर्स थे, दे आर नॉट कैपेबल और दे आर नॉट एबल टू कम्पीट द इम्पोर्टेड गुड्स। तो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर मेड ऑन इकॉनमी। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन जैसे से हम लोग कैपेबल हुए और स्टैंड हुए, हमारे रिमूव्स हट गए थे। नाउ वी कम टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटे? ये एक इज एन सच ऑर्गेनाइजेशन विच एम इज़ टू लिबरलाइज, यानी कि छूट देना इंटरनेशनल ट्रेड में, यानी कि कोई भी कंट्री फ्रीली एक देश से दूसरे देश में अपने गुड्स को, सर्विसेज को और खुद आ जा सके। ये आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो एस्टेब्लिश की गई थी, जहाँ पर मेन मकसद इसमें दो उस समय हुई थी, ब्रिटेन वुड में हुई थी ये। तो उस समय, तो यहाँ पर इंडिया अपना, जब इसकी स्थापना हुई थी तो यहाँ पर इंडिया अपना फाउंडर मेंबर है, लेकिन अब 2006 तक 150 कंट्रीज इसके मेंबर बन चुके हैं और अभी करंटली लाइन में है एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। तो दिस इज़ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी अंडरस्टैंड, वर्ल्ड मीन्स सारा संसार, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक संस्था। ये किसी पार्टिकुलर कंट्री के नहीं होती है, सभी के लिए होती है। तो इसमें इसका मेन काम था, इट एस्टेब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सी दैट दीज रूल्स आर ओबेड, कि ये कानून माने भी जाएं। तो इसका मेन मकसद ये था कि देश में जो गुड्स का मैन्युफैक्चर्ड होती है, सर्विसेज जो होती हैं, वो आसानी से एक देश से दूसरे देश में जा सकें। तो अब इसने क्या क्या किया, WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, सभी के लिए फ्री ट्रेड हो। इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट डेवलप कंट्रीज हैव अनफेयरली, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, हमारा जो संसार है, जो वर्ल्ड है, वो दो तरह की कंट्रीज़ में डिवाइडेड है, डेवलप और डेवलपिंग। डेवलप कंट्रीज़ जो बड़े बड़े देश, विकसित देश होते हैं, उनको कहते हैं, और जो डेवलपिंग होते हैं, जैसे कि इंडिया अभी तरक्की कर रहा है, जो अभी अपना काम कर सकते हैं। तो जो डेवलप कंट्रीज़ थी, उन्होंने अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स को किया। WTO ये कैसे किया, मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। WTO रूल हैव फोर्स द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव द ट्रेड बैरियर, जबकि जो WTO के रूल्स थे, उन्होंने फोर्स किया डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो वहाँ से बैरियर्स को हटा दे। लोगों को याद होगा कि पीछे अभी हम लोगों ने, जब पिछली प्रीवियस वीडियोस में हमने एक टमाटर वाला एग्जांपल किया था, अमूल पारेख वाली कंपनी में, जिसने छोटे छोटे, वो उसका बहुत बड़ा रोल था, लेकिन जब MNCs आई तो उन्होंने उसके ऊपर उसको ऑर्डर देना शुरू किया और उसने उसको मर्ज कर लिया। तो अब देखा जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड अ बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ GDP इन इंडिया। इंडिया का मेन प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है, जो आपको ऑक्यूपेशन के साथ साथ इंडिया की GDP को भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो है एग्रीकल्चर।
लेकिन अगर हम इसको डेवलप कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें, ऐसे यूएस के साथ, तो उनका वहाँ पर एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में 1% है और उसकी 0.5% ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो उससे क्या होता है कि स्मॉल परसेंटेज है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यू एग्रीकल्चर ने, उसने कहा कि यूएस रिसीव मैसिव सम ऑफ मनी फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़। इट मींस कि गवर्नमेंट ने अपने फार्मर्स को वहाँ पे सब्सिडीज़ दी या उनको ग्रांट दी या हेल्प की, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। टू दिस, जब उनको ग्रांट मिल रही है तो मैसिव मनी मिल रहे थे, तो यूएस फार्म, जो यूएस के फार्मर्स थे वो फार्म प्रोडक्ट को एबनॉर्मली लो प्राइसेस पे सेल करते, क्योंकि उनको तो ग्रांट मिल गई, उनकी कॉस्ट ही नहीं हुई थी। तो दो सरप्लस प्रोडक्ट फॉर्म थे वो अदर मार्केट में बेचते थे एट लो प्राइसेस। तो इससे क्या हुआ, दूसरे फार्मर्स, जो दूसरी कंट्री के फार्मर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा। क्यों? लोगों के पास जब सस्ता दाम में वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तो लोग लो प्राइस को ही खरीदेंगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे अगर बात की जाए इंडिया की, तो हमें ट्रेड बैरियर्स के कारण अपनी सब्सिडीज़ को भी इग्नोर करना पड़ा। तो वी हैव टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर एज WTO रूल्स, बट हैव इग्नोर्ड द रूल ऑफ WTO एंड हैव कंटिन्यू टू पे योर फार्मर वास्ट सम ऑफ मनी बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़। यहाँ पर अगर हम लोग देखे जाएँ तो इंडिया की बात करें, आपके सामने ही है नॉर्मल कि इंडिया, इंडियन फार्मर्स को कोई भी सब्सिडीज़ नहीं मिलती, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट होती है दे प्रोवाइड ग्रांट, उनको ग्रांट दी जाती है फार्म प्रोडक्शन के लिए। तो वो उनका प्राइस, उनका जो प्रोडक्ट है वो लो हो जाता है। जबकि अपनी इंडिया का कंपैरिजन करें तो हेयर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन ह्यूमन बींग्स का एग्रीकल्चर है, लेकिन वहाँ पर उनको कोई नहीं मिलती। और अब रिसेंटली अगर आप लोग देखा जाए तो उनके जो हमारे दो बिल पास हुए हैं रिसेंटली, अभी 2020 में ही इट एट प्रेजेंट, तो वो स्मॉल फार्मर्स के लिए तो एक तरह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है कि वो अपनी जितनी उसकी सरप्लस नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो उसको बेचने को कहाँ जाए। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑन द डेवलपिंग कंट्री ऑफ इंडिया। आप लोग सोचेंगे और इसको मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या ये दो बिल पास हुए हैं वो सही हैं, और तीन बिल पास हुए हैं वो क्या सही हैं इंडियन इकॉनमी के लिए, दैट इज़ एन डिबेटेबल पार्ट। तो आप ये अपने अपने कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या WTO ट्रेड प्रैक्टिसेस को ऑर्गेनाइज करने में सक्सेसफुल है? अगर मैं आपको इसकी प्रीवियस बातें भी बताऊं कि जो WTO होता है वहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ का मेजर इफेक्ट था, क्योंकि जब ये फॉर्म हुई थी तो उन कंट्रीज़ ने इसको मैनेज और ऑर्गेनाइज़ किया, तो दैट्स वाई कि वो अपनी ही फ़ायदे के अनुसार रूल्स और रेगुलेशंस को बनाते थे। तो इस वजह से उन्होंने कुछ एक रूल्स और रेगुलेशन अपनी फेवर में बनाए थे। लेकिन अब आज आप लोग बड़े हैं, सोच सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, क्या सच्ची में WTO फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है बिटवीन द डेवलप कंट्रीज एंड द डेवलपिंग, इज योर क्वेश्चन। आंसर मी इन कमेंट बॉक्स। बटे जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार हमारी WTO ऑर्गेनाइजेशन के भी हैं। अभी मैंने आपको डिबेटेबल के बारे में बताया, प्रैक्टिस के बारे में, कि वो क्या कर रही है नहीं कर रही, लेकिन इसके गुड इम्पैक्ट भी हुए हैं हमारी इकॉनमी पे। तो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, वो जो गुड इम्पैक्ट थे वो मैं आपको बता रही हूँ। MNCs have increased their investment in India in industries. उन्होंने इंक्रीज कर दी इन्वेस्टमेंट, जैसे कि कौन सी इंडस्ट्रीज में की, सेलफोन में, ऑटोमोबाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, फास्ट फूड में। तो उससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के कारण हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो गई, और हमारे जो आइडियल रिसोर्सेज थे वो भी यूज़ हो गए, और सर्विसेज़ में उन्होंने बैंकिंग वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है तो प्रोड्यूसर कैन बाय मोर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मोर प्रोडक्शन कैपेसिटी, मशीन्स वगैरह को भी कर सकता है। सेकेंड, जो टॉप इंडियन कंपनीज बेनिफिटेड फ्रॉम द इंक्रीज कम्पिटिशन, जो इंडिया की टॉप कंपनीज थी उनको बेनिफिट मिला कंपटीशन के इंक्रीज होने से। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब इन्वेस्ट किया अपनी न्यूअर टेक्नोलॉजी में और प्रोडक्शन मेथड्स में इम्प्रूव किया, जिसके कारण उनके प्रोडक्शन स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हुए और प्रोडक्शन कॉस्ट उनके रिड्यूस हो गई। थर्ड, सम लार्ज इंडियन कंपनीज एमर्ज, यानी कि जो बड़ी कंपनीज थी वो आज एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल
के लेवल पर काम करती हैं। तो कौन कौन सी बुक हैं बेटे, नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच आर द कंपनीज और इंडियन कंपनीज एमर्ज एज मल्टीनेशनल, तो टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रेनबैक्सिस, एशियन पेंट्स एंड सुंदरम फास्टनर्स, नल्ट और बोल्ट्स की है जो कि इसमें क्रिएट होती है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज पार्टिकुलरली इन्वॉल्व इन आईटी। आईटी सेक्टर में ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी हैं, जिसमें आप लोगों के कॉल सेंटर्स हो गए, कस्टमर सर्विसेज हो गई, और जिसमें आप अपनी ही कंट्री में रह के दूसरी कंट्रीज़ का भी काम को टेक ओवर कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर लंदन बेस्ड कंपनी एंड अस कॉल सेंटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।